हेलो एवरीवन वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक कोरोजन तो जरूरी नहीं है ये सिर्फ क्लास ट्वेल्व के बच्चे देखें अगर आपको जानना है कि कोरोजन क्यों होता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए अपने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जैसे जब आपका आयरन नया होता है तो बहुत शाइन करता है बट कुछ टाइम बाद कुछ सालों बाद या काफ़ी सालों बाद क्या होता है वो धीरे धीरे कॉरूड होने लगता है मतलब खोखला सा होने लगता है और उसकी चमक चली जाती है इजीली टूट जाता है ओके और सेम चीज़ आपके सिल्वर के साथ होती है जो सिल्वर की ज्वेलरी है स्टार्टिंग में बहुत शाइन करती है बट तो कुछ टाइम बाद उसमें अजीब सी कोटिंग हो जाती है डर्ट टाइप और यही चीज़ आपके कॉपर के साथ होती है कॉपर के स्टैचूज में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि एक ग्रीनिश कोटिंग चढ़ जाती है ठीक है गंदी सी जो अगेन कॉपर की शाइन को गायब कर देती है अगर आपको मोस्ट फेमस एग्जाम्पल देखना है तो वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर जो अभी है ग्रेनिश टाइप वो एक्चुअली में स्टार्टिंग में वो नहीं था स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है कॉपर की कोटिंग से तो कॉपर क्या होता है एनवायरमेंट के टच में आके उसमें ग्रेनिश लेयर बनने लग जाती है जिसकी वजह से अब आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रेनिश टाइप में दिखती है तो चलिए बात करते हैं कोरोजन की इन जनरल आपसे कोई पूछे कोरोजन क्या है तो सिंपल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल मतलब मेटल के सरफेस पे कोई भी कंपाउंड बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर मतलब आपके मेटल के सरफेस पे कोई भी लेयर बनेगी वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में बनती है ठीक है सपोज देखिए ये आपका मेटल है और ये आपकी लेयर है जो मेटल है उसी की सॉल्ट या ऑक्साइड हो सकता है वो लेयर ठीक है तो देखिए इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है आपके मेटल में क्योंकि आपको पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है आपके एटमोसफेयर ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन आपके एटमोसफेयर में है उसको तो ये डिटेल में हम आगे देखेंगे देखिए अब क्या है कि जो कोरोजन होता है आयरन में उसे हम रस्टिंग कहते हैं और मेनली हम रस्टिंग ही पढ़ते हैं ओके कोरोजन के नाम पे तो देखिए अब आप, आपका क्वेश्चन होगा कि वाई ओनली आयरन मतलब हम मैक्सिमम टाइम सिर्फ आयरन को ही क्यों पढ़ते हैं तो देखिए इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आपको चार मटेरियल देती हूँ पहला है आपका गोल्ड की रिंग है आपके पास और दूसरा आपके पास है आयरन नेल तीसरा है आपके पास एक कोई भी कॉपर की पाइप और चौथा है आपके पास एल्यूमिनियम का स्पून अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि 70 इयर्स बाद या उसके बाद भी अगर आप इन चारों चीज़ों को वापस से रेडिस्कवर करें वापस से अगर आप इन्हें ढूंढें तो आपको सबसे बेस्ट कंडीशन में कौन सा मेटल मिलेगा तो सही है आपका आंसर क्या होगा गोल्ड क्यों क्योंकि गोल्ड इनर्ट होता है वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता ठीक है और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे वर्स्ट कंडीशन में कौन मिलेगा आपको तो वो होगा आयरन नेल ट्रू देखिए क्योंकि जो आयरन होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है जिसकी वजह से वो एन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा रिएक्ट करके ऑक्साइड्स की लेयर बना देता है नेक्स्ट हम देखते हैं क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है रस्टिंग ऑफ आयरन में अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड तो देखिए जो ये मेटल है सपोज ये आपका मेटल है तो इस मेटल में भी क्या होता है कि एक पोर्शन आपका काम करता है एनोड की तरह और दूसरा पोर्शन काम करता है आपका कैथोड की तरह तो एनोड वाले पोर्शन में क्या होता है आपको पता है एनोड क्या कर में क्या होता है ऑक्सीडेशन तो जो आपका एफ का मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एफ प्लस में और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो एनोड की आपकी रिएक्शन हो जाती है सॉलिड जो होता है वो देता है टू एफ प्लस टू प्लस चार इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ठीक है तो इसका मतलब है कि एक एफ कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन रिलीज ठीक है अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है एनोड में वो मेटल के थ्रू मेटल के अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो जाता है एनोड से कैथोड में ठीक है अब ये कैथोड क्या करता है कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन आया वो रिएक्ट करता है आपका एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है और जो आपका हाइड्रोजन प्लस आयन है मतलब देखिए हाइड्रोजन प्लस आयन आपके वाटर से भी मिल सकते हैं और जो आपकी एटमॉस्फेयर में एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनसे भी मिल सकते हैं डिसल्यूशन के थ्रू तो ये तीनों मिलके आपको वाटर देते हैं तो ये सारी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है एनोड में ऑक्सीडेशन हो गई कैथोड में रिडक्शन हो गई जो Fe2+ है वो क्या करेगा कि जो एटमोसफेयर में ऑक्सीजन है उससे मिलके Fe2O3 बना देगा ठीक है जो एटमोसफेयरिक ऑक्सीडेशन है और ये जो Fe2O3 है ये आपकी होती है रस्टिंग जो भी आपका जो लेयर बनी हुई है ब्राउनिश कलर की वो इसके वजह से होती है ठीक है अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हुई आप एनोड और कैथोड को प्लस कर दीजिए ठीक है इसमें से सिर्फ जो फोर इलेक्ट्रॉन्स फोर इलेक्ट्रॉन्स से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बाकी जो लेफ्ट साइड की रिएक्शन आप उसे सारा लेफ्ट में लिखिए के में और राइट right आप right तो तो साइड आपका जो रस्टिंग है ब्राउन कोटिंग है वो कौन सी होती है और कैसे बनी है अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन इतना पढ़ना क्यों जरूरी है क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन के वजह से हमें बहुत लॉस होता है जैसे आपने देखा होगा काफी बार ब्रिज में जो रस्टिंग हो जाती है आय क्योंकि मेनली हम आयरन को ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं आपके हाउस या कार काफ़ी बार रस्टिंग की वजह से जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है और इसके वजह से बहुत सारे पैसे लगते हैं देखिए आपने कोई ब्रिज बनाया उसमें मेटल है कोरोड हो गया तो आपको वापस से वो ब्रिज बनाना पड़ेगा अब क्या है वो ब्रिज में वो स्ट्रांगनेस नहीं है ठीक है वो कभी भी कोलेप्स हो सकता है अब बात यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है यहाँ पे लाइफ्स की भी बात है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसी तरीके ढूंढते हैं जिससे जो हमारा आयरन हो आयरन बच सके तो सिंपल प्रिवेंशन का एक ही रूल है आपका जो भी मेटल है उसको आपको इन्वामेंट के कांटेक्ट में नहीं आने देना है मतलब जो भी आपका ऑक्सीजन और वाटर है आपके इन्वायरमेंट में उसकी कांटेक्ट में आपको कैसे भी मेटल को नहीं आने देना तो देखिए इसके दो तरीके हैं पहला तो आप क्या करिए अपने मेटल को पेंट कर दीजिए जैसे हमने जनरली देखा होगा आपके जो भी आयरन के पुल ब्रिज होते हैं या फिर घर पे कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं पेंट कर देते हैं घर के दरवाज़ों के जो रॉड्स होते हैं या खिड़की के रॉड्स होते हैं उन्हें हम पेंट कर देते हैं ताकि वो क्रोड ना हो या तो फिर दूसरा आप कोई भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं जैसे बिस्फिनॉल या फिर आपने देखा होगा ग्रीस आपकी साइकिल की चेन में ग्रीस लगा होता है ताकि जो आपका आयरन है वो क्रोड ना हो जाए और आपकी चेन जाम ना हो जाए देखिए दूसरा मेथड है कि आप अपने मेटल को कवर कर दीजिए किसी और मेटल से जो इनर्ट हो मतलब वो ज्यादा रिएक्ट ना करता हो इन्वायरमेंट से या तो आप कोई ऐसे इलेक्ट्रोड उसके सरफेस को कवर कर दीजिए जिससे कवर किया है वो एज अ एनोड काम करे और आपका आयरन सेफ रहे मतलब इसे सेक्रीफाइज इलेक्ट्रोड भी कहते हैं जैसे जिसकी आपने कोटिंग की वो इलेक्ट्रोड सेक्रीफाइस हो जाएगा वो क्वार हो जाएगा लेकिन आपका आयरन बच जाएगा तो जैसे आपका एस एन जेड एन और एम जी एग्जांपल एग्जाम्पल है जिसकी आप कोटिंग आयरन में कर देते हैं तो देखिए उससे क्या होता है कि आपका आयरन सेफ हो जाता है लेकिन जनरली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो है आपका जो सेक्रीफाइज इलेक्ट्रोड होता है अगर आप उसकी कोटिंग चढ़ा दें तो आपका आयरन बहुत टाइम तक सेफ रहेगा थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो